आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर एन टुडे न्यूज़। भविष्य ज्योति ट्रस्ट द्वारा हापुड़ चुंगी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाकर कामगार मजदूर के परिवार और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ होली खेलकर होली महोत्सव मनाया और 25 तारीख को आने वाली होली पर कामगार मजदूर का परिवार और बच्चे धूमधाम से होली मना सके, इसलिए परिवार को गुलाल और बच्चों को पिचकारी दी। इस अवसर पर भविष्य ज्योति फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक वरिष्ठ समाजसेवी प्रवीण बत्रा, भविष्य ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक शांति सिंह ने बताया कि कामगार मजदूर के परिवार और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ होली महोत्सव मनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि होली के रंग में कोई छोटा या बड़ा, सब एक ही रंग के रंगे हुए हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। यही सनातन धर्म की संस्कृति और त्योहारों की यही विशेषता है जो सबको मिलजुल कर सबको एक होने की प्रेरणा देती है। और संस्था की ओर से कोशिश की गई कि आने वाली 25 तारीख को होली महोत्सव रंगों के अभाव में कहीं कामगार मजदूर और बच्चे वंचित ना रह जाए और कोई अपने आप को छोटा ना समझे। एक छोटा सा प्रयास किया। इस अवसर पर विशेष सहयोग के लिए सक्रिय पदाधिकारी रजनी शर्मा, पूजा गहलोत्रा, सुधा सिंह, सोनी गुड्डू भी मौजूद रहे। देखते रहिए आर एन टुडे न्यूज़। नमस्कार, मैं शांति सिंह, भविष्य ज्योति फाउंडेशन की संस्थापक, कोराम न्यूज़ की तरफ से मैं सभी देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म और हर जाति के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व धर्म संप्रदाय जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। बच्चे और युवा बड़े उत्साह से यह पर्व मनाते हैं, तो इसलिए मैं सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मार्केट में केमिकल वाले रंग बहुत आ रहे हैं, कृपया इस केमिकल वाले रंगों से बचें और सूखे गुलाल से खेलने की कोशिश करें और गीले रंगों से बचें। धन्यवाद। जय भारत। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आर एन टुडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।